In the beginning, there was darkness. Long before his feud with Zeus, Kratos was a servant to the gods. Tasked to rid the world of the darkness without, he would come to unleash his darkness within. God of War. तो ये गेम ग्रीक माइथोलॉजी पे बनी है। सबसे पहले बींग्स थे द प्राइमोडियल, जिनकी वोर से फ्यूरिस का जन्म हुआ। ये फ्यूरिस किसी भी गॉड और टाइटन किसी की भी सगी नहीं होती। इनका काम गॉड को मिली ब्लड ओथ की रखवाली का है, यानी कि किसी ने भी अगर गॉड से वादा किया और उसे मुकर गया तो ये फ्यूरिस उसे पकड़कर टॉर्चर करती हैं अंटिल कि वो अपनी ओथ पर टिका रहे। अब अर्थ पर राज करने का टाइम टाइटन्स का था, जो कि प्राइमोडियल्स के डिसेंडेंट हैं। एंड टाइटन्स राज के साथ गोल्डन एज स्टार्ट होती। आगे क्रोनोस को ओरिकल प्रोफेसी से पता चलता है कि उसका बेटा भी उसे मार देगा, इसीलिए क्रोनोस अपने सारे बच्चों, लेकिन रिया क्रोनोस की वाइफ अपने बच्चों को ऐसे मरते देख नहीं पाती और अपने लास्ट बच्चे को वहाँ से दूर भगा देती है। यहाँ ही ज्यूस को एक आइलैंड पे ले जाया जाता है, जहाँ गाया मदर अर्थ टाइटन ज्यूस की देखभाल करती है और ज्यूस को अपने भाई बहनों को क्रोनोस से बचाने के लिए कहती है। लेकिन ज्यूस अपने गॉड दोस्तों के साथ पूरे टाइटन काइंड पे ही वॉर शुरू कर देता है। एंड यहीं ज्यूस अपना सबसे पावरफुल हथियार ब्लेड ऑफ ओलंपस बना टाइटन वॉर को एंड करता है एंड सर्वाइविंग टाइटन्स को पिट ऑफ टार्ट्रस में बंदी बना लेता है। यहीं एक टाइटन्स एजियन गॉड से हुई ओथ तोड़ देता है एंड फ्यूरीज का पहला शिकार बनता है। फ्यूरिस इस बड़े टाइटन के शरीर को बाकी ओर्थ तोड़ने वाले लोगों के लिए प्रिजन में बदल देती हैं। अब टाइटन्स को हराने के बाद ज्यूस किंग ऑफ गॉड बनता है एंड माउंट ऑफ ओलंपस पे राज करता है। यहीं ज्यूस अपनी हवस के लिए काफ़ी मॉडल वुमेंस के साथ अपने नजायज संबंध बनाता है। अब ज्यूस हीरा से शादी के बाद अपने बच्चे अथीना, एरिस, हरकुलिस एंड अदर को जन्म देती है। एरिस आगे जाके गॉड ऑफ वॉर बनता है, लेकिन एरिस अपने फादर को ओवरथ्रू कर गॉड ऑफ ओलंपस बनना चाहता है। एरिस वन ऑफ द फ्यूरीज के साथ मिलकर एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनाना चाहता है। जो एरिस अब एक पावरफुल वॉरियर की तलाश में है जो उसके लिए ज्यूस को हरा पाए। वहीं क्लिस्टो क्रेटोस के कुछ साल बाद डीमोस को जन्म देती है एंड डीमोस के पास बर्थ से ही ज्यूस को ओरेकल बताती है कि ओलंपस का एंड एक मार्क्ड वॉरियर से होगा। तब ज्यूस एरिस और अथीना को इस मार्क्ड वॉरियर को ढूंढने के ऑर्डर देता है। क्रेटोस अपने भाई को बचाने में एरिस से लड़ने लगता है, तभी एरिस उसके फेस पे पंच करके उसे स्कार देता है। पर एथीना एरिस को क्रेटोस को छोड़ देने की कहती है। एरिस डीमोस को गॉड ऑफ डेथ के पास डेथ डोमेन में छोड़ आता है, जहां से वापस आना नामुमकिन है। क्रेटोस अपने भाई की याद में अपने बॉडी पे टैटू बनवा लेता है। क्रेटोस बड़े होकर स्पार्टन आर्मी के एक पावरफुल वॉरियर बनता है। क्रेटोस की शादी लिसैंड्रा से होती है और उनकी एक बेटी भी होती है कुलाइपी, लेकिन कुलाइपी को एक स्किन डिजीज़ होती है एंड स्पार्टन रूल के अकॉर्डिंग कमज़ोर चिल्ड्रन को एक चेजम में छोड़ दिया जाता है एंड ये लॉज किसी के लिए भी चेंज नहीं होते। वहीं क्रेटोस को गॉड ऑफ हीलिंग एस्क्लिपिशिया का पता चलता है, जो कि दुनिया की किसी भी बीमारी या यहाँ तक कि डेथ को भी ठीक कर सकता है। तभी गॉड ऑफ ओलंपस एम्ब्रोसिया को ढूंढने के लिए क्रेटोस को चूज़ करते हैं। एम्ब्रोसिया को ढूंढने के सफ़र में क्रेटोस को ओल्रिक मिलता है, जो बारबेरियन, लेकिन क्रेटोस उसे हरा के अपनी बेटी को क्योर कर देता है। अब उसे स्पार्टन का हेड बना दिया जाता है। क्रेटोस एक निर्दयी आदमी की तरह सारी वॉर लड़ता है एंड जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्रेटोस बस अपनी वाइफ और उसकी बेटी की ही बात सुनता है। एक दिन बारबेरियन आदमी जो कि बारबेरियन आर्मी लीड करता है, जो स्मार्टन आर्मी पे अटैक कर देता है। बारबेरियन की आर्मी स्मार्टन पे भारी पड़ जाती है और वहीं क्रेटोस खुद को हारते हुए एरिस को गुहार लगाता है।
एरिस क्रेटोस की मदद करने आ जाता है एंड क्रेटोस की मदद कर उसे ब्लेड ऑफ केओस देता है जो कि उसे चेन के थ्रू उससे बांध जाती है। ये चेन क्रेटोस को हमेशा याद दिलाती है कि वो एरिस की गुलाम है। अब क्रेटोस एरिस के लिए हर तरह के बुरे काम करने लग एरिस क्रेटस को एक विलेज डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है जो कि एथीना के याद में बनाया गया था। क्रेटोस यहाँ पे सभी को मार एक टेंपल के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ की ओरेकल उसे चेतावनी देती है कि वो टेंपल के अंदर ना जाए, पर क्रेटोस ओरेकल की बात ना सुन के अंदर जाके सभी को मार देता है। और क्रेटोस के लास्ट दो विक्टिम उसकी वाइफ और उसकी बेटी ही होती है जो कि क्रेटोस के हाथों मर चुकी होती है, जिन्हें एरिस स्पार्टा से यहाँ लाया था। तभी एरिस क्रेटोस को बताता है कि वो क्रेटोस को सबसे पावरफुल वॉरियर बनाना चाहता है जिसकी कोई वीकनेस ना हो। तभी क्रेटोस को एरिस पे गुस्सा आ जाता है। वहाँ की ओरेकल क्रेटोस की वाइफ और उसकी बेटी की अस्थियाँ क्रेटोस में मिला देती है और यहाँ क्रेटोस को उसका नया नाम गोस्ट ऑफ स्पार्टा मिलता है। अब क्रेटोस एरिस से उसका बदला लेना चाहता है और एरिस की कोई भी बात मानने से मना कर देता है और ब्लड ओर्थ तोड़ने चाहता है, लेकिन क्रेटोस अपनी यादें खराब होने लगती हैं और रियलिटी को नहीं देख पाता। तभी ओरकोस सन ऑफ एरिस क्रेटोस की हेल्प करता है एंड उसे उसकी वाइफ की नेकलेस देता है और उसकी हेल्प करता है एंड क्रेटोस को वॉर्न करता है कि फ्यूरीज उसे ढूंढ रही हैं क्योंकि उसने एरिस की दी हुई ओथ को तोड़ा है और क्रेटोस को डेल्फाई की ओरेकल से मिलने के लिए कहता है। वहाँ की ओरेकल उसे बताती है कि ओथ को तोड़ने का एक ही तरीका है कि वो सारे फ्यूरीज को मार दे, लेकिन क्रेटोस को इल्यूजन से बचने के लिए आइस ऑफ ट्रूथ ढूंढना होता है। ओरकोस अपनी फैमिली से लड़ क्रेटोस की मदद कर रहा है। आइस ऑफ ट्रूथ ढूंढते समय क्रेटोस को तीनों फ्यूरीज पकड़ लेती हैं और दो वीक से प्रिजन ऑफ डैम में टॉर्चर करने के बाद वहां से फ्री होके क्रेटोस तीनों क्रीपर को मार देता है, लेकिन लास्ट फ्यूरीज मरने से पहले ओरकोस को लास्ट कीपर बना देती हैं। इसलिए क्रेटोस को ओरकोस को भी मारना पड़ता है, लेकिन ओरकोस को मारते समय क्रेटोस की नाइटमेयर भी उसे परेशान करने लगती हैं। अपने नाइटमेयर से बचने के लिए क्रेटोस गॉड ऑफ ओलंपिस के काम करने शुरू कर देता है। इस क्रेटोस गॉड से अपना नेक्स्ट टास्क पूछ ही रहा होता है तभी उसकी नज़र गॉड ऑफ सन हीलियोस पे पड़ती है जो नीचे गिर रहा होता है। एथीना क्रेटोस को बताती है कि हीलियोस अचानक से गायब हो गया है। अब एंड स्लीप गॉड मॉर्फियस ओलंपियन गॉड के ऊपर हावी हो गया है एंड एथीना क्रेटोस को हीलियोस को बचाने के लिए कहती है। हीलियोस के टेंपल में हीलियोस की सिस्टर इओस्क उसकी हेल्प करती है। तभी इओस्क बताती है कि टाइटन एटलस फ्री हो चुका है और उसी ने हीलियोस को बंदी बना लिया है एंड इओस्क क्रेटोस को उसके नाइटमेयर से बचाने के बदले हीलियोस को फ्री करने को कहती है। क्रेटोस हीलियोस के रथ यूज़ करके उसे हीलियोस तक ले जाता है। हीलियोस की लाइट के पीछे पीछा करते हुए उसे उसकी बेटी कोलाइपी दिखाई देती है। वहाँ पे जाके क्रेटोस की मुलाकात वाइफ ऑफ हेडिस परसेफनी से होती है और वहाँ परसेफनी क्रेटोस को बताती है कि वो अपनी बेटी से मिल सकता है अगर वो अपने वेपन इस फॉरसेकन ट्री में अर्पण कर दे तो एक नॉर्मल मोर्टल बन जाए। और फिर क्रेटोस हीलियोस को छोड़ ये ऑफर को मान लेता है एंड अपनी बेटी के पास हमेशा के लिए रहने के लिए मान लेता है। तभी परसेफनी अपनी रियल इंटेंशन बताती है कि उसी ने एटलस को आज़ाद किया एंड हीलियोस की पावर से वो इस पिलर को गिराने चाहती है जिस पे पूरी दुनिया खड़ी है एंड साथ में माउंट ओलंपस भी। क्रेटोस के पूछने पर कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो परसेफनी कहती ज्यूस ने उसे ट्रिक कर हेडिस से शादी करने पे मजबूर कर दिया एंड लैंड ऑफ डेथ में हमेशा के लिए क्वीन बना के फंसा दिया। अब वो गॉड से अपना रेवेंज चाहती है और वर्ल्ड पिलर के साथ एलिसिया भी ख़त्म हो जाएगी। एटलस पिलर डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है पर क्रेटोस एटलस की चेन को पिलर पे ठोक देता है।
हेलियोस को फ्री कर देता है और परसेफनी को मार आधा पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड पिलर का पूरा भाग एटलस पे गिर जाता है। एटलस क्रेटोस को गॉड का स्लेव कहता है, लेकिन क्रेटोस कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि गॉड उसे उसकी नाइटमेयर से फ्री करेंगे एंड क्रेटोस हीलियोस के रथ के साथ मैनकाइंड को बचा लेता है। क्रेटोस गॉड के सारे टास्क पूरे करता है और फिर एथीना से पूछता है कि कब उसके नाइटमेयर्स फ्री होंगे एंड तब एथीना क्रेटोस को फाइनल टास्क देती है एरिस को हराने का एंड अब वो एथीना की सिटी एथेंस पे हमला कर रहा है। एथेंस पहुंच के उसे वहाँ एक ग्रेव डिगर मिलता है जो क्रेटोस को देख के बोलता है कि वो तब तक ना मरे जब तक वो उसकी ग्रेव ना खोद ले। वहाँ क्रेटोस एथेंस के ओरेकल से मिलता है जो उसे पेंडोरा बॉक्स के बारे में बताती है जिसका टेंपल ज्यूस के फादर क्रोनोस के पीठ पे डेजर्ट ऑफ लॉज ऑफ सोल में है। ज्यूस ने क्रोनोस को शराप दिया था कि वो टेंपल को अपनी पीठ पे उठा के इस डेजर्ट में घूमता रहेगा और अब क्रेटोस टेंपल एथेंस वापस ले जाना चाहता है। तभी एरिस एथेंस से ही एक पिलर क्रेटोस की ओर फेंक देता है जिससे क्रेटोस मर जाता है और फिर अंडरवर्ल्ड में पहुँच के उसी मिस्टीरियस ग्रेव डिगर की हेल्प से वापस आ जाता है। अब क्रेटोस एरिस से पेंडोरा बॉक्स नीचे गिराने में कामयाब होके उसे खोल देता है एंड पेंडोरा बॉक्स की मदद से एरिस के साइज का हो जाता है, लेकिन एरिस उसे उसके ब्लेड ऑफ केयोस वापस ले लेता है एंड क्रेटोस सारी होप हार जाता है। तभी उसे एथेंस के टेंपल में पड़ी सोड मिलती है जिसकी मदद से वो एरिस को मार देता है। तब क्रेटोस एथीना को उसके नाइटमेयर फ्री करने को कहता है, लेकिन एथीना उसके सिंस को माफ़ कर उसके नाइटमेयर्स ख़त्म करने से मना कर देती है। तभी निराश क्रेटोस जो मरने के को रेडी एक ऊंची चोटी पे खड़ा होता है, लेकिन एथीना उसे बचा के उसे गॉड ऑफ वॉर की सीट ऑफर करती है और यहीं क्रेटोस एक मॉर्टल गॉड बनता है। लेकिन अभी भी क्रेटोस को उसके नाइटमेयर्स आते हैं और तभी उसे एक विजन दिखाई देता है कि उसे उसकी माँ उसे पोसाइडन टेंपल में उसे बुला रही है एंड क्रेटोस अपनी माँ से मिलता है जो उसे बताती है कि उसका भाई डीमोस अभी भी जिंदा है। क्रेटोस को उसके फादर ज्यूस के बारे में बताती है और एक मॉन्स्टर में बदल जाती है जो ज्यूस ने उसे कर्ज दिया था। अब क्रेटोस को एटलांटस में थीरा मिलती है जो एटलांटस को होल्ड करती है। थीरा को फ्री करके उसकी पावर ले लेता है और फिर एटलांटस तबाह हो जाता है। अब क्रेटोस स्पार्टा की तरफ जाता है, तभी उसे उसके एक सोल्जर उसे स्पार्टन वेपन देता है और तभी उसे पता चलता है कि डेथ डोमेन का रास्ता एटलांटस में ही है एंड फिर क्रेटोस डीमोस से दोबारा मिल जाता है। डीमोस सिर्फ इसीलिए ज़िंदा है ताकि वो क्रेटोस को उसे बचाने के लिए ना आने का बदला ले पाए। तभी गॉड ऑफ डेथ थैनटोस डीमोस को ले जाता है एंड क्रेटोस उन्हीं के पीछे चला जाता है। क्रेटोस डीमोस के को बचा उसे अपने स्पार्टन वेपन देता है। दोनों भाई थैनटोस से लड़ते हैं, तभी डीमोस की मौत हो जाती है थैनटोस के द्वारा। डीमोस को मरते देख क्रेटोस रेज में आ जाता है। क्रेटोस रेंज में थैनेटोस को मार देता है और फिर क्रेटोस डीमोस की लाश को उस मिस्टीरियस ग्रे डीवर को दे देता है। तभी क्रेटोस फिर से पहाड़ी से मरने की कोशिश करता है
तभी अथीना वहाँ आके उसे गॉड ऑफ वॉर की सीट ऑफर करती है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये गॉड ऑफ वॉर का फर्स्ट पार्ट था, इसके आगे 3 पार्ट और आने वाले हैं, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।